लास्ट क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में कौन सा आर्टिकल चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और दैट इज बताया था आपको बेगर्स मेथड, इस पर क्वेश्चंस कर रहे थे हम। इसमें फार्मूला क्या था, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें आर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पर्सन्स को 0, 1, 2, 3 कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज थे एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। यही एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो लेकिन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है 1, 2, 3 इस तरह से आ रहा हो, तो फॉर्मूला था एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 आइडेंटिकल बुक्स, 12 आइडेंटिकल बुक्स बिटवीन रिंकू पिंकू एंड टिंकू सच दैट Each receives at least one book. Each receives at least one book. कम से कम एक बुक सभी को मिले। सभी को कम से कम एक बुक मिले, इसके लिए क्या होगा नंबर ऑफ वेज बताओ आंसर जल्दी से। 11C2 n हो गया 12, r हो गया 3, तो n माइनस 1 r माइनस c r माइनस 1 क्योंकि एटलीस्ट 1 है तो 11C2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ natural solutions, natural solutions means natural number solutions, natural solutions of the equation x plus y plus z is equal to 102, x plus y plus z is equal to 102. नेचुरल नंबर मतलब x, y, z क्या होंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इस एक तरह से ये n हुआ और r की वैल्यू हुई 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, n 102 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 101 सी 2, ये आंसर है। सिंप्लीफाई करोगे तो 101 इंटू 100 अपॉन 2 दैट इज 5050। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स
कैन बी अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस, कैन बी अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस इफ एटलीस्ट 2 मार्क्स, इफ एटलीस्ट 2 मार्क्स आर टू बी गिवन, आर टू बी गिवन टू every question. At least 2 marks are to be given to every question. बताइए जल्दी से आंसर. क्या करेंगे इसके लिए? पहले दो दो मार्क्स सभी क्वेश्चंस को दे दीजिए. सर 13C7 21C7 है. यस सर 21C7. पहले क्या करो, 8 क्वेश्चंस में कम से कम दो दो मार्क्स तो चाहिए सबको. तो पहले दो दो मार्क्स बांट दो सबको. फर्स्ट अलॉट 2 मार्क्स टू एवरी क्वेश्चंस, 2 मार्क्स टू एवरी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन. तो मतलब कितने अलॉट कर चुके हैं? 16 मार्क्स तो अब दे दिए आपने, बचे 14. अब रिमेनिंग जो है 14 रिमेनिंग मार्क्स, जो कि 30 - 2 × 8 = 16 मार्क्स है, ये किसी को भी कितने भी दे सकते हो, 0, 1, 2, 3 अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो एन अब यह 14 हो गया, जबकि क्वेश्चन है 8 तो वो आर हो गया 8. इस 14 मार्क्स को इन 8 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हो गया 21C7. ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स, और फिर में लिखेंगे बॉल्स आर अलाइक, एक्सेप्ट फॉर कलर्स. कलर को छोड़ दें तो बाकी बॉल्स अलाइक हैं. रेड आपस में सभी अलाइक हैं, व्हाइट सभी अलाइक हैं, रेड और व्हाइट अलाइक नहीं. फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन ऑफ टेन बॉल्स कैन बी मेड. सेकेंड नंबर ऑफ वेज इफ इट कंटेन्स ऑल 4 कलर बॉल्स. बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स. मान लीजिए रेड से X1 बॉल्स ले रहे हो, व्हाइट से X2 ले रहे हो, ब्लू से X3 ले रहे हो, ग्रीन से X4. टोटल कितनी बॉल्स लेनी है? 10. जहां फर्स्ट पार्ट में क्या है, किसी से कितनी बॉल ले सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ये 4 है, n है 10,
आर है फोर, फॉर्मूला लगाओ आ जाएगा नंबर ऑफ फेस। नंबर ऑफ फेस क्या होगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट इज 13C3। कोई भी डाउट है? सेकेंड है विच कंटेन्स ऑल फोर कलर बॉल्स, सभी फोर कलर की बॉल हो, मतलब सबसे कम से कम एक एक बॉल जरूर लेंगे हम लोग, एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम इस कलर। तो एक्स आई क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, तो नंबर ऑफ वेस इसके लिए क्या होते हैं, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आंसर है 9C3। कोई डाउट किसी को? नेगेटिव एंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर इज इक्वल टू 20। बनाएंगे सभी लोग, जिस किसी का भी आंसर आ जाए तो बताएं। आवाज आ रही है सभी को? नमन, पुलकित, वृंदा? यस आ रही है सर। ठीक है, कोशिश करिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 4x4 लिखा है, केवल x4 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, अभी 4x4 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना। तो केसेस लेने पड़ेंगे मुझे, जब मैं x4 को या फिर इस 4x4 को उधर ले जाऊँ, x4 की वैल्यू अगर जीरो हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा, 20, 20 माइनस 4x4। तब अब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखो कितने होंगे, 20 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 22C2, ये आएगा फॉर्मूले से, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। सेकंड इस x4 वन लें, अब x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, 16। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या लिखोगे, n प्लस r माइनस 1 16 प्लस 3 माइनस 1 19 माइनस 1 18 C3 माइनस 1 18C2। ऐसे ही x4 2 हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या बताएंगे, 12 प्लस 3 माइनस 1 14C2 आएगा, ऐसे लिखते जाओ। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, x4 इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसी तरह से आएंगे 10C2, x4 बराबर 4 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 6C2, और x4 इक्वल टू 5 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 2C2। इन सबको ऐड करिए, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 22C2 प्लस 18C2 प्लस 14C2 प्लस 18C2 प्लस 6C2 प्लस 2C2। वैल्यू सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आएगा 536।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट लिखें, अ मैन हैज टू बाई, अ मैन हैज टू बाई 25 mangoes in four different categories. In four different categories or varieties. Or varieties. Four different variety के mangoes हैं, जिसमें से उसे 25 mangoes खरीदने हैं. Buying at least four from each variety. और हर एक variety का कम से कम four mangoes लेने. In how many ways he can purchase if mangoes of each variety are identical. हर एक वैरायटी के जो मैंगोस हैं वो आइडेंटिकल हैं. LC3 सही. जैसे अभी किया था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे 30 मार्क्स 8 क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ है. कम से कम दो दो मार्क्स थे वहां पर, यहाँ से कम से कम फोर फोर मैंगोस लेने. पहले फोर फोर मैंगोस पहले ले लेते हैं. फर्स्ट टेक फोर मैंगोस फ्रॉम ईच वैरायटी. From each variety. तो टोटल कितने ले लिए आपने? 4 × 4 16 मैंगोस ले लिए. रिमेनिंग और कितने लेने हैं? टोटल कितने थे? 25 मैंगोस बाय करने हैं. तो 25 माइनस 16 9 मैंगोस और खरीदने हैं. तो ये ही n हो गया. और आर क्या हो गया? 4, क्योंकि 4 डिफरेंट वेराइटीज के. तो नंबर ऑफ वेज अब किसी से भी कितने भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3. तो फॉर्मूला हो गया एन प्लस आर माइनस वन. सी आर माइनस वन लगाएंगे, 9 + 4 - 1 = 12, 4 - 1 = 3, तो 12C3. क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, इन हाउ मेनी वेज two apples, three mangoes and four oranges can be distributed among three children, so that each receives none, one or more number of fruits.
बताएं क्या आंसर होगा इसका। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं किसके लिए है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 3 चिल्ड्रन में, सभी अलाइक नहीं है लेकिन 2 एप्पल्स आपस में अलाइक है। पहले इन 2 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, नंबर ऑफ वेज आप डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्पल्स। कितनी एप्पल्स हैं, 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। पर्सन कितने हैं, 3, आर की वैल्यू 3, तो एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कितना आंसर आ गया, 4C2। ठीक है, ऐसे ही करें, नंबर ऑफ वेज आप डिस्ट्रीब्यूटिंग मैंगोस। अब मैंगोस कितने हैं, 3 मैंगोस हैं, तो एन हो गया 3, आर 3 है, 3 पर्सन हैं, तो नंबर ऑफ वेज आ गए 5C2। ऐसे ही करें किसके लिए, ऑरेंजेस के लिए, 4 ऑरेंजेस हैं, पर्सन हैं 3, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 6C2। टोटल वेज क्या होंगे, टोटल वेज होगा इनका प्रोडक्ट, क्योंकि पहले आप एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये मैंगोस एंड ऑरेंजेस सभी फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तभी वर्क कंप्लीट होगा। तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, 4C2 की वैल्यू 6, 5C2 10, 6C2 15, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर आ गया 900। देख लीजिए कोई डाउट है इसमें तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the inequality x plus y plus z less than or equal to 6. बनाएंगे इसको क्वेश्चन नंबर 10। इनइक्वालिटी जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, इक्वालिटी के लिए, इक्वेशन के लिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है। इक्वल टू 6 होता तो डायरेक्ट बन जाता, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो कैसे बनाएंगे सर, एक बार 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, उस केस में हम लोग एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेरिएबल है, ये टी इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 6, मुझे इक्वालिटी बनानी है पहले। देखिए अगर मैं इसको टी लिख देता हूँ, टी 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, टी 1 रखेंगे तो 5 आएगा, तो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, टी 2 होगा तो 4 आएगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, होगी कि नहीं। तो ये अब एक इक्वेशन बन गई जहां पर x, y, z, t सभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे, और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वही इस इनइक्वालिटी के भी सॉल्यूशन होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई कम नहीं होगा। देख लीजिए, बताइए
तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे यार, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एन की वैल्यू हो गई 6, आर की वैल्यू हो गई 4, तो 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 दैट इज 9C3. 9C3 की वैल्यू होती है 84, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6. सिंप्लीफाई, ये 3 कैंसिल हुआ, 2 ये हो गया, 4, 4 इंटू 7 28 इंटू 3 84. नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर. फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 10. x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 10. नाइन सी फोर नेचुरल सॉल्यूशंस इस बार बोला गया है. यहाँ एक्स वाई जेड टी जो वेरिएबल्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. इसमें मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू, इस इक्वल टू बना लेता हूँ 10. लेकिन अब देखिए W अगर मैं 0 रखूंगा तो 10 आएगा, 10 लेस देन 10 तो होता नहीं है, तो W की वैल्यू मैं 0 नहीं रह सकता. W कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 रखोगे कोई दिक्कत नहीं, W 1 रखोगे तो आएगा 9, 9 लेस देन 10 होता है. अगर मैं 1 रखूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी कितना आएगा, 9, 2 रखेंगे तो आएगा 8, इनइक्वालिटी सैटिस्फाई कर, मतलब W भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. यहाँ पे सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी सेम वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. नेचुरल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी क्या हो गया, एन प्लस माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 10 माइनस 1 सी आर, 5 माइनस 1 9 सी 4, 9 सी 4 126 होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 124, 126 आएगा. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखें, ए 21 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 30. देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस
सर 13C4। 13C4 इसका आंसर नहीं बेटा, 13C4 नहीं है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। या केवल ये होता x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 30। नॉन नेगेटिव मतलब यहाँ x y z t क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस मुझे चाहिए। मान लीजिए एक केस ले लेता हूँ मैं लेस देन 30। इसी को ऐसे ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन आर इक्वल टू 29। लेस देन 30 लेस देन इक्वल टू 29। अब इसमें मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ w। ये बराबर लिखा मैंने 29, तो अब w क्या लोगे, जीरो लोगे तो 29 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। वन लोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा 28। तो w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 29 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 दैट इज 33C4। लेकिन इस 33C4 में तो पूरा सोल्यूशन आ गया लेस देन 30। लेस देन 30 में वो भी आएगा जब भाई ये सभी 0 0 0 होते हैं, तो 0 भी लेस देन 30 है। लेकिन वो ग्रेटर देन 21 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो लेस देन 30 में या लेस देन इक्वल टू 29 में हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जब 0 1 2 3 अप टू 29 तक आ रहा, लेकिन हमें यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक का सोल्यूशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं 21 से 30। तो इसमें इस केस में हम केस माइनस कर लेंगे, फर्स्ट केस में ये वाला केस माइनस कर लेंगे, जब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन आर इक्वल टू 20। इस लेस देन आर इक्वल टू 20 में कौन कौन से केस आएंगे, 0 1 2 अप टू 20 तक का केस आएगा। और इसमें क्या केस आ रहा है, 0 1 2 अप टू 20, 21 22 अप टू 29 आ रहा है। हमें चाहिए 21 से 29, लेस देन 30 होगा वो, ये 0 से 20 वाला केस हटाना है। तो इस केस को हम माइनस कर देंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए, लेस देन इक्वल टू 20 सॉल्व वैसे ही करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू फिर से इंट्रोड्यूस करिए, बराबर 20 हो गया। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुए, 20 प्लस 5 माइनस 1 मीन्स 24C, 5 माइनस 1 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही आंसर हुआ। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 33C4 माइनस 24C4। यही आंसर है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, एनसी नॉट कितना होता है, एनसी नॉट 1 होता है, एनसी 1 एन, एनसी 2 एन इंटू एन माइनस 1/2। लिखते जाए तो एनसी एन माइनस 1 क्या होता है, वापस आता है n, एन सी एन क्या होता है 1। अगर आप इसमें पैटर्न देखेंगे तो ये पहले इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज कर रहा होता है, मतलब मिड पर मैक्सिमम होता है। अब कोई वैल्यू निकाल कर देखो, 60 0 1 61 62 15 63 20 64 15 65 6 66 1। मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई, 63 की। देखो 5C0 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5, 5C6
फाइव सी फाइव वन, देखो ये मैक्सिमम है, मिड में, मिड वाली या तो दो वैल्यू सेम होगी तो बराबर होगा, या फिर एक ही वैल्यू है, ये डिपेंड करता है ये इवन है ऑड है। सिक्स इवन है, सिक्स बाई थ्री टू थ्री आ गया, फाइव बाई टू 2.5 आएगा, तो उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद वाला नंबर 2.5 आ रहा है ना, टू एंड थ्री। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर अगर आप लिखना चाहते हैं, दैट विल बी एन सी एन बाई टू इफ एन इज इवन, और यही एन ऑड नंबर होगा तो ये 5 था, तो 5 माइनस 1 करोगे 4 बाई 2, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 आ जाएगा, तो ये आएगा एन सी एन में एक बार 1 ऐड कर दो और एक बार 1 सबट्रैक्ट कर दो, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, इनमें से कोई भी ले लो, दिस आर दिस वन, बोथ विल बी मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सी आर। विकी सभी लोग क्वेश्चन, मैन हैज 21 फ्रेंड्स, ही वांट्स टू गिव एज मेनी नंबर ऑफ parties as he can by calling the same number of friends every time, but not the same group every time, or the same group of friends every time. वही same group नहीं लेना है, group में different, कम से कम एक friend different होगा, याद कि मान लीजिए 4 friends बुलाता है A B C D, तो अगली बार में A B C E कर दिया, जब A B E F कर दिया, चार पर्सन बुला रहा है तो दो सेम भी आ सकते हैं, एक सेम भी आ सकता है, तीन सेम भी आ सकते हैं, कुछ अलग होगा। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही शुड कॉल एट अ टाइम, और number of parties to be maximum, number of parties to be maximum, कि number of parties maximum हो उसके लिए उसे कितने friends एक बार में बुलाने चाहिए। अगर r persons को वो कॉल करता है 21 फ्रेंड्स में, तो नंबर ऑफ पार्टीज क्या होंगे? आर कॉलिंग r फ्रेंड्स 21 cr, और r फ्रेंड्स, ठीक है, r persons को एक वन टाइम पे कॉल करने पर आउट ऑफ 21, तो ये मैक्सिमम कब होगा? अभी पढ़ा एन ऑड हो तो दो केस है, टू बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज के लिए क्या होना चाहिए? आर की वैल्यू 10 हो, 21 माइनस 1 बाई 2 हो, और 21 प्लस 1 बाई 2 मतलब 11 हो, मीन्स आइदर ही शुड कॉल 10 और 11 पर्संस एट अ टाइम टू मेक द नंबर ऑफ पार्टीज टू बी मैक्सिमम। कोई डाउट है इसमें? फॉर्मूला बेस्ड
क्वेश्चन रहेगा बाकी एनसीआर एनपीआर जो हमने पढ़ा था एनसीआर उसी की तरफ से एनसीआर आएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बस आपको ये देख लेना है एन इवन है या ऑड है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम इसमें इस क्वेश्चन से को लिखे मैं समझता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आंट एक चीटी जो है कैन गो फ्रॉम 112 4.5। डायग्राम बनाएं देखिए क्या है मतलब ग्रिड प्रॉब्लम का। कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनको इक्वल विड्थ में एक ग्रिड की तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में इस तरह से बना लिया सबकी लेंथ और बीच के डिस्टेंस दो कॉन्जुगेटिव लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब ये पॉइंट है 0 0 ये है 1 0 ये 2 0 1 है ये 2 3 4 ऐसे ही इधर है 1 2 3 4 5 तो 1 1 पॉइंट ये हुआ 1.1। फिर कौन सा पॉइंट पर जाना है 4 5 1 2 3 4 5 4 5 इस पॉइंट पे पहुंचना है ठीक है। तो एक चीटी 1.1 पॉइंट पर है उसको 4 5 पॉइंट तक जाना है यही तो लिखा। तो उसके एक स्टेप का मतलब है एक यूनिट मूवमेंट एक स्टेप चीटी चल रही तो 1 1 से वो 2 1 पर आ सकती है या फिर एक स्टेप में वो किधर जा सकती है 1.2 पर जा सकती है। एक स्टेप वो चलती है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायगोनली नहीं जा सकते एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल चलना है और वो भी केवल प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस में निगेटिव में नहीं जाना कि पहले निगेटिव में चले गए फिर पॉजिटिव में जा रहे हैं तब तो इनफाइनाइट तरीके हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में आइदर एक हॉरिजॉन्टल स्टेप और एक वर्टिकल स्टेप वो चल रही है और वो उससे 4 5 तक पहुंचना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। यह क्वेश्चन बनाइए इसे वन वन से 4 5 तक देखने कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप से चलने पड़ेंगे 2 1 3 1 4 1 वर्टिकल 1 2 3 4। अगर ये जो चीटी है 3 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल स्टेप चले और वो किसी भी ऑर्डर में पहले 4 वर्टिकल और फिर 3 हॉरिजॉन्टल चलोगे तब भी इसी पॉइंट पे पहुंचोगे 4 5। पहले एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फिर 2 वर्टिकल कैसे भी चलिए अगर आप 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप एंड 4 वर्टिकल स्टेप चलते हो तो इस पॉइंट 4 5 पे पहुंच जाएंगे मतलब आपको
अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ग्रिड प्रॉब्लम कर दिया था कंप्लीट, आंसर 35 आया था, वहां तक हो गया था बेटा? नो सर, स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गया था। सर स्टार्टिंग में सर 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल बस वहां तक हुआ था। देखिए ये था फाइंड द नंबर ऑफ वेज एंड आंट कैन गो फ्रॉम 11 टू 45। एक जो चीटी है 11 से 45 तक जाएगी, ठीक है। तो 11 से 45 चलने के लिए उसे 3 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल स्टेप चलने की जरूरत है, किसी भी ऑर्डर में चले। पहले एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल चलो। पहले एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल चलो, या 3 वर्टिकल चलो, फिर 2 हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल चलो, इसी पे आओगे। तो ये 3H और 4V, 3 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल स्टेप चल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर हो, जैसे पहले 3H फिर 4V तब भी यही आएगा, पहले 4V फिर 3H तब भी यही पहुंचोगे। तो इसको बस अरेंज कर दो। कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो? 7 लेटर्स हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं उतने ही तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसी को आप कह सकते हो ये वैल्यू किसके बराबर, 7C3 या 7C4। 7 स्टेप्स में से 3 स्टेप सेलेक्ट कर लो, आइदर फॉर हॉरिजॉन्टल और 7C4 सेलेक्ट कर लो फॉर वर्टिकल, रिमेनिंग स्टेप्स दूसरे हो जाएंगे। यही इसकी आंसर है 35। तो ग्रिड प्रॉब्लम पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं जेई में, इनफैक्ट कभी नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह का हो तो आप ऐसे ऑब्जर्व करके आसानी से कर सकते हो, नोट कर लीजिए। एंड लास्ट आर्टिकल अब हम लोग पढ़ेंगे डी अरेंजमेंट। पीएनसी का लास्ट आर्टिकल है डी अरेंजमेंट। जेई एडवांस में इधर क्वेश्चन आया है इस पर बेस्ड, 2-3 साल पहले ही। देखें सभी लोग डी अरेंजमेंट क्या, लेट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लेट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर having n specific places or specified places, n objects हैं जिसके n specified places है कि इन्हें यहाँ पे रख सकते हैं आप। लेकिन जब आप arrangement करने जाते हो and if objects are arranged, if objects are arranged such that, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, such that no one occupies, no one occupies its specified place, then number of D arrangements will be, number of D arrangements is equal to n factorial into 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial, ऐसे लिखते जाना है कहाँ तक, 1 upon n factorial, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, n पॉजिटिव इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंग। क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ n स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की बॉल है, एक ग्रीन कलर की बॉल है, ठीक है, और एक येलो कलर की बॉल है, और आपके पास इन बॉल्स के करेस्पॉन्डिंग 4 बॉक्सेस हैं जिनके भी कलर हैं, ये रेड कलर का बॉक्स है, बॉक्स है, और ये बॉल्स हैं, फिर यहाँ पर ब्लू कलर का है, ये है ग्रीन कलर का बॉक्स, और ये है येलो का बॉक्स, इन 4 बॉल्स को इन 4 बॉक्सेस में रखना है, लेकिन रेड वाला रेड में ना आया करे, कहीं और जाए, ब्लू ग्रीन, वो ब्लू ब्लू में नहीं आए, ग्रीन ग्रीन में नहीं आए,
इसके स्पेसिफिक प्लेसेस पे नहीं आकर कहीं और अरेंज हो रहा है, तो उसी को कहते हैं डी अरेंजमेंट, ठीक है। और उसके नंबर आपको इसके लिए फॉर्मूला होगा अगर सभी का डी अरेंजमेंट हो रहा है। अब कोई कहे कि केवल दो का डी अरेंजमेंट होगा, रेड और ब्लू वाले अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाएंगे, बाकी सब अपने जाएंगे, तो उसके लिए देखिए डिफरेंट वे हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, इफ एग्जैक्टली आर, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट डू नॉट ऑक्यूपाई, exactly are objects do not occupy their specific places, their specific places, that is de-arranged, then number of ways will be, क्या एग्जैक्टली आर प्लेसेस, एन ऑब्जेक्ट हैं टोटल, एन में से आर सेलेक्टिवली एनसीआर। अब इन आर का कौन से आर डी अरेंज हो रहे हैं ये नहीं दिया है ना, अगर वो फिक्स है तब तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि ये वाले आर, तो एन में से आर वाले ये दो बॉल्स कोई डी अरेंज हो रही हैं तो एनसीआर, तो 4C2 ऐसे सेलेक्ट कर लिए। अब उनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आर के लिए, तो आर फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना है 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होकर के, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल है आर ऑब्जेक्ट का तो आर फैक्टोरियल इसके करस्पॉन्डिंग लिखें। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये फॉर्मूला आपको लगाना है डी अरेंजमेंट पे। क्वेश्चंस करके देखें, फर्स्ट वन, इफ अ पर्सन राइट्स लेटर्स टू हिज फाइव फ्रेंड्स, letters to his five friends, and then addresses the corresponding envelopes, then find the number of ways. Then find the number of ways so that no letter goes into right envelope. एक person अपने five friends को letters लिख रहा है, ठीक है, letter अलग पेज पे है और उसके corresponding लिफाफे envelopes हैं जिन पर वो एड्रेस लिखता है उन फ्रेंड्स का। अब जब वो लेटर उन लिफाफों में envelope में रखने जाता है तो कोई भी लेटर सही envelope में न रखा हो इसके नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने, बता रहे हैं बेटा? यस सर। क्या है, फाइव फ्रेंड्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स पर उनके एड्रेसेस लिख रहे हैं, तो
ये लेटर जो है L1, L2, L3, L4, L5, उसके करस्पॉन्डिंग इनवलप थे E1, E2, इनमें इस लेटर को रखना था। तो सही इनवलप में सही सभी के सभी सही इनवलप एड्रेस पे जाएं। अगर कहता है ऑल गोज इन टू राइट इनवलप, तो उसके कितने तरीके होते हैं? एक तरीका होता कि L1 E1 में जाए, L2 E2 में, L3 E4 में, एक ही होता अभी, लेकिन सभी गलत में जा रहे हैं। तो दैट इज नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट आर नंबर ऑफ वेज। फाइव ऑब्जेक्ट है, 5 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के लिए आप इस 5 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120/2 60, 120/6 कितना हुआ 20 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 44। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 13 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 13 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ 4 प्लेयर्स, टू ईच ऑफ 4 प्लेयर्स। If each gets ace and king of different suits, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहले ये जो 4A होते हैं और 4K होते हैं, 4 किंग्स, इनको आप छोड़ दीजिए। बचे कितने? 52 माइनस 8, 44 कार्ड्स। इनको इक्वली 11 11 11 फोर प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होंगे? 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 टाइम्स मीन्स पावर 4, और 4 ग्रुप सेम हो गए तो 4 फैक्टर। लेकिन ये 4 डिफरेंट प्लेयर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इनटू 4 फैक्टर मतलब P1 P2 P3 P4। अब इन सबके पास आपके पास 11 11 कार्ड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसके ये नंबर आपके। ये क्या है? 44 कार्ड्स to 11 each। ठीक है, 11 to each प्लेयर। अब क्या करिए? ए को, ए है 4, एक है स्पेड का, क्लब का, डायमंड का और हार्ट्स का। इन 4A को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक एक के सबको देना, 4 प्लेसेस हैं पे अरेंज कर दिए 4 को। कितना तरीके से? 4 फैक्टोरियल से ये कर दिया फॉर ए। ए या के किसी को भी, एक को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने। अब बात करते हैं के के लिए। तो स्पेड का के भी है हमारे पास, स्पेड का के है, क्लब का भी के है, डायमंड का भी के है और हार्ट्स का भी के है। अब हम इसको देना चाहते हैं, मान लीजिए स्पेड का ए मिला है P1 को, तब
स्पेड का ही किंग इसको नहीं मिल सकता, इसको किसी दूसरे सूट का मिलना चाहिए, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का। मतलब अब मैं कहूँ कि इसका यही स्पेसिफिक प्लेस है, तो ये अपने स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं जा रहा, इसकी जगह क्लब डायमंड हार्ट आएगा। क्लब वाले की जगह पे डायमंड हार्ट आया, स्पेड में चाहेगा, डायमंड वाले प्लेस पे डायमंड नहीं आएगा, हार्ट वाले प्लेस पे हार्ट नहीं आएगा। मतलब इन फोर किंग्स का क्या हो रहा है, डी अरेंजमेंट हो रहा है। तो फोर ऑब्जेक्ट का इन फोर प्लेसेस पे डी अरेंजमेंट क्या होगा, इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, दिस इज डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट ऑफ किंग्स, इसको आप अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए फोर फैक्टोरियल एक फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल रेस टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो कंप्लीट ये पार्ट आ गया, इंटू जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4, 4 फैक्टोरियल बाई 4 1, 12 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 9। ये आ गया फाइनल आंसर 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9। ये 9 है डी अरेंजमेंट वाला, डी अरेंजमेंट ऑफ किंग्स, ऑफ किंग्स। ठीक है सर? हाँ बोलिए सर। ये बस ये बता दो, ये नंबर ऑफ वेज में डिनोमिनेटर वाला ऊपर वाला पार्ट बता दो, मतलब 4 फैक्टोरियल से पहले वाला पार्ट। 4 फैक्टोरियल से पहले वाला पार्ट मतलब यहां से नंबर ऑफ वेज में नीचे डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल क्यों आया था? 4 फैक्टोरियल इसलिए आया था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में हमने पढ़ा था जितने ग्रुप सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे चारों सेम है 11 11 11 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। और लेकिन जब पर्संस में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने पर्संस होते हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमने जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में पढ़ा था वो फॉर्मूला लगाया। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद पहले फिर हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया फोर्थ ए को फोर्थ फैक्टोरियल वे में, फिर जब हम के को डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो वहां पे डी अरेंजमेंट लग गया। ठीक है सर, डी अरेंजमेंट लग गया, ये चीज समझ नहीं आई। वापस बोलो, आपने कहा डी अरेंजमेंट लगाया सर किंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाहते हो सर? किंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में सर डी अरेंजमेंट लगाए, डी अरेंजमेंट लगाया के डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ क्योंकि सर समझ नहीं आया, जैसे कि देखो ए स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, मान लो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर के पास पहुंच गया है। अब लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि डिफरेंट सूट्स के ए और के होने चाहिए। अगर मैं के स्पेड का इसी के पास रख दूंगा तो इसके पास सेम सूट के स्पेड और के हो जाएंगे, तो इसके पास स्पेड वाला के नहीं जाना चाहिए। तो इसका जो है कि स्पेड का के यहाँ नहीं आएगा, क्लब का के यहाँ नहीं आएगा, डायमंड का के नहीं आएगा और हार्ट्स का के, तो सभी अलग अलग पे जाएंगे। जो स्पेड वाले की जगह क्लब डायमंड हार्ट हो सकता है, क्लब वाले की जगह स्पेड डायमंड हार्ट हो सकता है। जैसे ऊपर बताया था ब्लू के लिए ब्लू, समझ गया, ब्लू बॉल ब्लू वाले बॉक्स में आए। ठीक है, तो इसलिए इन फोर ऑब्जेक्ट्स का डी अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है तो बताइए। और नेक्स्ट क्लास में ट्यूजडे को तो इसका टेस्ट है पीएनसी का, कोई भी डाउट है आप उसके पहले कल इवनिंग तक भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। और उसकी अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डीपीपी 8, 9, 10। ठीक है, yes, okay, पूरा रिवाइज करके अच्छे से प्रिपरेशन करके दीजिए टेस्ट, और जो भी उसमें फिर कमी रह जाएगी फिर उसको डिस्कस किया।